fifth, eighth, and 11th term of the GP are P, Q, R respectively. Prove that Q is square equal to P into Q. Let A be the first term, and R be the common ratio of the GP. Given to you. तो इसका फिफ्थ टर्म दिया है यहाँ पर P, जो कि हो जाएगा ए आर स्क्वायर, ए आर का पावर 4 एजुकेशन पर, ठीक है ना जी। और एथ टर्म दिया हुआ है आपका Q, जो कि हो जाएगा ए आर का पावर 7। एंड 11th टर्म दिया हुआ है S, जो कि हो जाएगा ए आर का पावर यहाँ 10। आप देखिए यहाँ लिखते हैं डिवाइड इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ए आर का पावर सेवन बाई में ए आर का पावर 4 इक्वल टू में क्यू बाई में पी। इससे एक कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आर का क्यूब आ जाएगा जो कि क्यू बाई पी के इक्वल होगा, ठीक है ना जी। एज इक्वेशन इसे 4th ले लो। अब क्या लिखते हैं डिवाइड, वैसे रहने देते हैं डिवाइड बाई इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो क्या हो जाएगा ए आर का पावर 10 बाई में ए आर का पावर 7 इक्वल टू में एस बाई क्यू, ठीक है, एस बाई क्यू। यानी यहाँ से देखिए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी बचेगा आर क्यूब इक्वल टू में यहाँ पर आ जाएगा एस बाई में क्यू इक्वेशन 2। तो यहाँ लिख सकते हैं आप कि फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5th, इन्हीं दोनों से देखेंगे क्या हो जाएगा, दोनों आर क्यूब पे इक्वल है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि क्यू बाई में पी इक्वल टू में एस बाई में क्यू। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू स्क्वायर इक्वल टू में पी इंटू में एस हो जाएगा। इन्हें प्रूव करना था, हमने कर दिया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द फोर्थ टर्म ऑफ द जी ऑफ अ जी पी इज स्क्वायर ऑफ